नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। देश में लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण होने जा रहा है। अंतिम चरण से पहले दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। लगातार छह चरण में देखा गया है कि विकास के मुद्दों की बजाय छींटाकसी पर, तल्ख टिप्पणी पर यह चुनाव आ गया है। हिमाचल के दौरे पर आज प्रियंका गांधी, और इसी दौरान उन्होंने कहा पीएम मोदी ने चोरों की तरह सरकार को गिराया। पीएम मोदी खुद को भगवान कहते हैं, ईश्वर का अवतार कहते हैं। विकास के मुद्दे पर बात होनी चाहिए लेकिन विकास के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। लालू यादव कह रहे हैं कि 4 जून को विदाई होने वाली है पीएम मोदी की, तो वहीं पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैं अब गाली प्रूफ हो गया हूं, मुझे तरह तरह की गालियां दी गई हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहा गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता तन्मय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तन्मय जी, लगातार विपक्ष का आरोप है कि विकास के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, जो मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है, व्यक्तिगत बयानबाजी पर लाकर के और तल्ख टिप्पणियों पर लाकर के इस चुनाव को टिका दिया है। अंतिम चरण में चुनाव है और लेकिन फिर भी अभी भी विकास की बातें कम और आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा, तल्ख टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी ज्यादा की जा रही है। पिछले दस वर्षों से हमने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र किस तरफ अग्रसर है, ये सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित है। पूरे देश में ही नहीं, विदेश में भी जितने भी देश भारत की ओर एक अलग नज़र से, अलग दृष्टि से देखते हैं, वो खुद ये जानते हैं कि भारत किस विकास के पथ पर अग्रसर है। यहाँ रहते हुए हम सभी ये जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में, यानी कि 2 कार्यकालों में माननीय प्रधानमंत्री ने मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है और जिस तरह से कार्य किए गए, वो बिल्कुल सामने ही दिखाई देते। जिस तरह से विपक्ष का चूंकि काम है बोलना और प्रत्यारोप लगाना, आरोप लगाना, विपक्ष को सिर्फ अब यह पता नहीं समझ में आ रहा, यह समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास किया जाए इन चुनावों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी अब तक के जितने चरण हुए उसमें काफ़ी आगे जा चुकी है। अब जो खिसियाई तरह से जो लालू प्रसाद जी अपना वक्तव्य दे रहे हैं या कांग्रेस के जो नेता हैं जिनकी अभी कोई स्थिति भी नहीं है, आज प्रियंका जी की बात करें तो वो सांसद भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वक्तव्य दे रही हैं वो उनकी एक पर्सनल अपनी वो है कि क्या है या कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, परंतु प्रधानमंत्री जी ने जो देश में किया है अगर सत्यार्थ तौर पे देखा जाए और प्रत्यक्ष तौर पे देखा जाए, तो जो हर एक वोटर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार को वोट डाल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल रहा है, वो इसी विश्वास से डाल रहा है कि पिछले 2 कार्यकालों में जो प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है वो आगामी आने वाले कार्यकाल और उससे आने वाले आगे वाले कार्यकालों में भी प्रधानमंत्री जी करके दिखाएंगे और हर व्यक्ति का विकास होगा, राष्ट्र का विकास तो प्रत्यक्ष तौर पर सभी को दिख रहा है। प्रतीक जी, तन्मय जी ने कहा जिस प्रकार से जनता वोट कर रही है, विकास को देख करके वोट कर रही है, लगातार 2 बार पीएम बनने का मौका दिया, बीजेपी को बहुमत दिया, तीसरी बार फिर से बहुमत देने जा रही है, लेकिन आप हैं कि मुद्दों से भटका रहे हैं, व्यक्तिगत छींटाकसी पे आ रहे हैं। निश्चित तौर पे जब भारत की जनता ने 2014 में कुछ वादों के साथ में भाजपा को और नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था, इन्होंने वादा किया था कि महंगाई कम कर देंगे, क्या महंगाई कम हो गई? इन्होंने वादा किया था 35 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल मिलेगा, तो क्या 35 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल मिल रहा है? इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, मतलब 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, तो क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? इन्होंने वादा किया था कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन इनका एनएसएस को कहता है कि किसान की आय गिर करके प्रतिदिन 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है। एक इन्होंने वादा किया गया था कि गंगा की सफाई कर दी जाएगी, क्या हुआ? गंगा की सफाई हो गई क्या? इन्होंने वादा किया था 2 लाख करोड़ रुपए का काला धन विदेशों में जमा है वो वापस लाएंगे और सबके खातों में 15-15 लाख रुपए पहुंचाएंगे, तो क्या काला धन वापस आ गया और सबके खातों में 15-15 लाख पहुंच गए? यही तो मुद्दे हैं। इस देश के अंदर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखिए सरकार, रेलवे के और अन्य जो डिपार्टमेंट है उनको मिलाकर के 9.5 लाख पद रिक्त हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं और इन्हीं के एक राज्य में आप देखिए पहलवान बेटियों को कैसे घसीटा जाता है। ये किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं, उसके बाद में देखिए किसानों के ऊपर किस तरीके से गोली बरसाई जाती है, किस तरीके से बम बरसाए जाते हैं, दिल्ली नहीं आने दिया जाता है। और सबसे ज्यादा जो छींटाकशी पर्सनल तौर पे करते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था, जर्सी गाय किसने कहा था, हाइब्रिड बछड़ा किसने कहा था, और अभी 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 ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस वाले मुजरा कर ले। आप बताइए प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द शोभा देते हैं क्या? ये सड़क छाप गुंडा
और हम आप और हम जब डिबेट में बैठते हैं तो इस तरीके की भाषा तो हम डिबेट में भी नहीं बोलते। और आप प्रधानमंत्री जी की भाषा देखिए, क्योंकि वो बौखला गए हैं। पहले इन्होंने वादा, इन्होंने नारा दिया था अब की बार 400 पार, और पता लग रहा है कि 200 पार भी नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर चले गए मछली पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, मुसलमानों पे, और अब मुजरे पर। और आप उसके बाद में कह रहे हैं कि गाली प्रूफ है। पूरी दुनिया को गालियां तो आप देते हैं, आप कहते हैं मैं बायोलॉजिकल इंसान नहीं हूं, मैं तो ईश्वरीय शक्ति हूं। अब अपने आप को आप महामानव मानने की और ईश्वर मानने की गलती मोदी जी करें तो करते रहें। इस देश की जनता ने अब मोदी सरकार को हटाने के लिए वोट दिया है, और आने वाले जो आखिरी चरण, सातवें चरण में 1 जून को चुनाव है, उसमें जो बची हुई 54 सीटें हैं उसके अंदर भी नरेंद्र मोदी जी के जो कैंडिडेट हैं उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। और आप देखिए वाराणसी के अंदर हाल ये हो गया है, जेपी नड्डा जी को जाना पड़ रहा है, अन्य मुख्यमंत्रियों को जाना पड़ रहा है, अमित शाह को जाना पड़ रहा है, रैली करनी पड़ रही है। अरे इतना सारा काम किया था तो वाराणसी के अंदर और इतने सारे नेताओं का जमावड़ा करने की क्या जरूरत पड़ गई थी बताइए। अगर काम ही किया था तो सरकार नहीं की है, यूपी में सरकार ही नहीं की है, केंद्र में सरकार ही नहीं की है। जवाब दीजिए तन्मय जी। कांग्रेस ने भारत पर राज किया, हर बार का जवाब दीजिए। हर बार 10 साल से आपकी सरकार है तो मैं बोलूंगा यही बताइए जो मैंने पूछा है, जो आपने वादे किए थे, जो 10 साल का आपका जो कार्यकाल रहा है उसके बताइए बातें। सुन लीजिए, मैं तो सुनाऊंगा ही, क्योंकि हम विपक्ष में हम तो पूछेंगे सवाल, और अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो मत दीजिए, लेकिन हम जवाब लगातार मांगेंगे आपसे। आपके बड़बोले कांग्रेस नेताओं की जबान जिस तरह से चलती आ रही है, जिनको खुद को नहीं पता राम को शिव से लड़ाते चल रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको ये नहीं पता कि संस्कार क्या है देश के, आपके राहुल बाबा को ये कहते हैं कि राम तो निषाद राज के पुत्र हैं, तो क्या सच्चाई है क्या? क्या बोला संजय निषाद ने? क्या बोला संजय निषाद ने? पढ़ाई की नहीं सुना आपने? बताइए, अगर मैंने रत्ती भर भी गलत बोला हो तो बताइए। बताइए वो पूरा सब संजय निषाद का साथ देने वाले हमको समझा रहे हैं। इंदिरा गांधी हर चुनाव में लेके आती थी मुझे वोट दो मैं गरीबी हटाऊंगी, क्या जादू का डंडा? अभी ये खटाखट 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 गरीबी हटाएंगे, फटाफट 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 बीजेपी को हटाएंगे, नोट लाएंगे, है ना, हर एक के खाते में डालेंगे। राहुल गांधी ने जब यहां राजस्थान के अंदर जब अशोक गहलोत जी की सरकार बनी थी तब मन से जिस दिन शपथ ग्रहण था उस दिन उन्होंने यहां से भाषण दिया था कि 1 साल के अंदर सारे किसानों का कर्जा माफ। उसके बाद राहुल गांधी कभी प्रदेश में नहीं आए, और ये हालत कर गए कि अशोक गहलोत की लड़खड़ाती गिरी हुई सरकार भी घुटनों के बल नहीं मुंह के बल आके गिरी थी। ये तो इनके राष्ट्रीय नेताओं की करतूत है कि खुद की सरकारें गिराते, ये दूसरे हम कोई सरकार गिराते नहीं है, इनकी करतूतें इनके कर्म इनकी सरकारें गिराते हैं। और बात करते हैं कि दुनिया को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी ने जितने अपशब्द सहे हैं पिछले 10 वर्षों में, घृणा के जो तीर सहे हैं वो उन्हीं की छाती उन्होंने सहे हैं, और किसी के ऊपर कोई गलत उंगली नहीं उठाई। आप दिल्ली में किसानों के आने बात करते हैं कि दिल्ली में किसान रोके गए केजरीवाल की सरकार, आपके इंडी झूठ बोल रहे हैं, जो रेंग का अलायंस है इससे तो मैं इंडी भी नहीं बोलता, फिर झूठ बोल रहे हैं। उस रेंग के अलायंस में लोगों मत बुलाए कीजिए, दिल्ली के अंदर किसके पुलिस ने रोका, दिल्ली किसके पुलिस थी, फिर झूठ बोल रहे हैं। पंजाब नहीं नहीं झूठ मत बोलिए, पंजाब के दिल्ली पुलिस किसकी है? अलायंस के एक सहभागी हरियाणा ने पुलिस ने रोका, फिर आपको भी पता। देखिए आप झूठे लोगों मत बुलाइए, इससे बाहर निकल के बता रहा हूं, वो दिल्ली के अंदर पुलिस किसकी है, किसने रोका? दिल्ली पुलिस किसकी है बताइए, बताइए किसने रोका? यानी कि हरियाणा पुलिस ने रोका कि नहीं रोका? अभी बताइए, झूठ बोलते हैं यहाँ पे तक अपने अपने केसों, झूठे लोगों को मत बुलाए कीजिए आप डिबेट में। किडनी नहीं थी, किडनी नहीं थी, घबरा रहे थे उस टाइम में, हाथ जोड़, अरे झूठ मत बोलिए, ये झूठ मत बोलिए, किसने रोका आप बताइए? दिल्ली पुलिस ने रोका था कि नहीं रोका था? बिहारी भरोसा नहीं करता, बिहारी भरोसा नहीं करता, बिहारी, देखिए आप तरीके से बात करिए, बात कर रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं आप, तरीके से बात करिए, या तो आप विपक्ष में बुलाया मत करिए, आया मत करिए, इस तरह के लोगों को जो इस तरह के वक्तव्य डिबेट में देते हैं उनको बुलाना बिल्कुल अनुचित है। आप या तो तमीजदार लोगों को बुलाइए, इस तरह की बात नहीं करेंगे आप, सीधी बात है, आपके राहुल गांधी को यही नहीं पता वो बोलते क्या है, करते क्या है। भारत जोड़ो यात्रा करने चले थे, साथ में 100 लोग नहीं थे उनकी यात्रा में, और अभी इस चुनाव का 4 जून को उनको पता लगेगा कि इंडियन अलायंस कांग्रेस 40 सीटों पे समटी थी, इससे आपकी बार कम होगी। अब हालत ये होगी जो इंडियन अलायंस में अभी तक नहीं पता कि नेता कौन है, वो खत्म है,
इंडिया अलायंसेस चुनाव के बाद में मिट्टी में मिली नजर आएगी, आप अपनी आंखों से देख लेंगे। मिट्टी में बीजेपी पार्टी जो है वो बिल्कुल मिट्टी में, हम उसी मिट्टी को देखेंगे जिसमें इंडिया अलायंस के नेता लौट रहे होंगे, हम देखेंगे। मोतियाबिंद है आपकी आंखों के अंदर, तो चलिए भारत जोड़ो, अभी 4 जून को आपको प्रत्यक्ष दिख जाएगा बिल्कुल। जिस प्रकार आपके दल के नेता भारतीय जनता पार्टी में आने की प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार शायद आपके भी बाकी बच्चे खुचे भाग जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के चरणों में आगे बैठ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर गिर रहा है, उसी तरीके से भाजपा के प्रवक्ता लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। और ये मुजरा किस्म का जो शब्द है, ये तो पता मुजरा बोला गया इसलिए था कि आपकी जो हरकतें वो आपकी हरकतें आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही वोट मांगने का प्रयास करते हैं, भीख मांगते हैं, महिलाओं का गिड़गिड़ाते हैं उनसे कि एक आपने 50 करोड़ आपने गरीबों का SC ST का हक ये लेकर मुसलमानों को देने के लिए साक्षात्ष्टीकरण का काम करते हैं, जो कम्युनिटी जो डिजर्व करती है रिजर्वेशन उसका आरक्षण छीन के ये तुष्टीकरण करके दे रहे हैं। यानी कि आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार करके जातिगत समीकरण में बांट रहे हैं जनता को, बांट रहे हैं देश को। तन्मय जी, प्रतीक जी, प्रतीक जी, तन्मय जी, दोनों एक दूसरे को काउंटर लगातार करते रहोगे, दोनों की बात स्पष्टता से नहीं जा पाएगी। दर्शकों तक आप अपनी बात रखें, दर्शकों तक ठीक है, आपके समय में आप बोलिए, ठीक है, आप सवाल करिए, आप अपनी बात रखिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए, इंटरप्ट मत करिए। आपको समय दे रहा हूँ, आपको समय दे रहा हूँ, आप बोलिए, 2 मिनट तक आपको कोई नहीं टोकेगा बीच में। तन्मय जी, आप नहीं बोलेंगे 2 मिनट तक, प्रतीक जी बोलेंगे। का स्तर जो जितना गिरा है आज तक, ठीक है, देख रहे हैं क्या, और इसके ऊपर क्या कहना है कि मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बताइए, इसका कोई जस्टिफिकेशन है? और जो मैंने वादे पूछे कि 2014 के समय पे जो वादे किए गए थे कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिल जाएगा, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिल जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, गंगा साफ हो जाएगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, इस पर भी तो जवाब दीजिए जनता को। अरे चुनाव खत्म होने को है, ये आखिरी चरण बच रहा है, बताइए तो सही जनता को। ठीक है, बात कंप्लीट हुई आपकी, अब एक बार इनका जवाब ले लीजिए, इनको बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं, फिर आप अपनी बात रखिए। प्रतीक जी शायद जयपुर से बाहर नहीं निकलते, बनारस जाके आए, देख के आए काशी विश्वनाथ में क्या स्थिति हुई है, मंदिर की क्या प्रारूप बना है, मंदिर किस तरह से और गंगा का क्या काम हुआ है, वो शायद इनको अंदाजा भी नहीं है कि इनकी सरकार में तो गंगा को एक नाला माना गया था। जो नेता, जो इनके शीर्ष के नेता है, जिनका जातिगत समीकरण ही नहीं पता कि वो कभी हिंदू बनते, कभी ईसाई बनते, कभी मुसलमान बनते, क्या बनते, उनको गंगा का क्या महत्व होगा। इसी तरह कांग्रेस के जितने नीचे तक के नेता है उनको यही सिखाया जाता है कि जो हम बोलेंगे वो सही है, यानी कि आंखों पे पट्टी बांध के कांग्रेस का हर कार्यकर्ता गांधी वड्रा परिवार की तरफ देखता है कि जो वो कह देंगे वही सही है, पहली बात। दूसरी बात, ये कहते हैं पेट्रोल डीजल आपके समय में कहां से कहां गया था, आपको ये शायद ध्यान नहीं होगा, हर प्रकार से आज भी देश के ऊपर जो छोड़ के गए थे आप लोग कर्जा, जो केंद्र सरकार में छोड़ के गए थे कर्जा, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उतारा है जाकर। ठीक है, आपको मौका मिलेगा, आपको मैं मौका दूंगा, इनके बाद आपको मौका दूंगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने वो कर्जा चुकाया, आप विश्व पटल पे देखिए कि रशिया यूक्रेन से युद्ध में अकेला रशिया लड़ रहा है पूरे विश्व में, फिर भी उसके बावजूद सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल मंगाया गया, कम कीमत पे मंगाया गया, उसको आगे काम में लिया गया और उस डेफिसिट को देश के विकास में लगाया गया। ये दूरदृष्टि की जो सोच नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, वो इनके पढ़े लिखे से पढ़े नेता के भी बुद्धि में कभी भी नहीं आई होगी। बात करते हैं उसके, बात करते हैं क्या विकास नहीं हुआ। अरे महिलाओं के ऊपर आप खुद जाके देखिए आपने क्या किया था, जब आप केंद्र में बैठे थे, जब आप राज्य में बैठे थे, क्या कर क्या पा रहे थे आप, कर क्या किया क्या आपने। एक शौचालय किसी महिला के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए नहीं दे पाए, कभी सोचा नहीं, खुद के लिए लगाए जा रहे थे जितना पैसा लगा सकते थे। सबसे ज्यादा अराजकता, सबसे ज्यादा गबन कांग्रेस की सरकार में हुए। मैं आज फिर इनसे कहता हूं कि गिनाइए नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में क्या गबन हुआ और क्या नहीं हुआ। इनके समय के भागे हुए लोगों को पकड़ पकड़ के वापस लाया जा रहा है, और जितने भागे हैं जिनका नाम है वो इन्हीं के कार्यकाल में भागे। अगर इनको ये ध्यान नहीं हो तो कागज पन्ने पलट करके खुद ही देख लेंगे। ठीक है, चलिए, वहीं व्यक्तिगत छींटाकसी भी हो रही है, इसी पर चर्चा लगातार जारी है। बीजेपी से तन्मय शर्मा जी और कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले तन्मय शर्मा जी ने जिस प्रकार से बात कही, प्रतीक जी आपने ऑब्जेक्ट किया, आप उनकी बात का जवाब देना चाह रहे थे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी,
देखिए पहले तो जो मैंने सवाल पूछे थे उस सवालों का तो जवाब तन्मय जी ने दिया, लेकिन तन्मय जी की बात का जवाब मैं जरूर दूंगा। सबसे पहले इन्होंने उठाया कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे समय पे क्या थे, तो मैं बता दूं तन्मय जी को शायद पता नहीं है कि हमारे समय पे जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर थी वो 9 रुपये थी और डीजल के ऊपर थी वो 3 रुपये थी। आज के वर्तमान समय पे वो 28 रुपये पेट्रोल पे और 28 रुपये डीजल पे। दूसरा इन्होंने बोला कि रशिया से तेल सस्ता खरीदा गया, अरे साहब 2 रुपये लीटर 3 रुपये लीटर खरीदा गया तो फिर देश की जनता को महंगे दाम पर क्यों बेचा गया? क्योंकि अडानी जो अंबानी को भी सस्ते दाम पे बेचना पड़ जाता, इसलिए दाम कम नहीं किए गए। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार की कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को भ्रष्टाचार पे बात करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि 72,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप लगाते हैं और 3 दिन बाद में अजीत पवार को बुला करके अपनी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। 2014 के समय पर वहीं महाराष्ट्र में जाकर के ये बोलते हैं अशोक चौहान ने घोटाला कर दिया और उसके बाद में अशोक चौहान को अपनी पार्टी के अंदर लेकर के आते हैं और उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देते हैं राज्यसभा से। यही बीजेपी है जो बना दिया। ठीक है, आपका सवाल ठीक है, लेकिन एक चीज क्लियर कर दीजिए, क्या वो घोटाले में शामिल थे? आपके पास थे? मैं बीजेपी से ये आपके सवाल का जवाब भी दे देता हूं और बीजेपी से भी पूछ लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी पिछले महीने में कि 26 ऐसे नेता थे जिनके ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाए और उनके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट की गई। कार्रवाई चलती, प्रूफ होता नहीं होता, सजा होती, वो सब कुछ सही था। अगर करा होता तो सजा होती, नहीं किया होता तो बरी होते। लेकिन उनमें से 23 नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसके बाद में उनको क्लीन चिट मिल गई, उनके खिलाफ मामले सारे बंद कर दिए गए। तो इसका मतलब क्या है कि सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने साथ ले जाएंगे? और जब इसका मतलब ये भी साबित कर रहे हैं आप कि वो भ्रष्टाचारी थे, तो कार्रवाई करते ना, कार्रवाई बंद क्यों की? मैं तो ये पूछ रहा हूं, कार्रवाई बंद कार्रवाई करवाना चाहते हैं? कार्रवाई रोक दी, इसका मतलब कि वो भ्रष्टाचारी? मैं तो ये पूछ रहा हूं, कार्रवाई क्यों रोक दी? कार्रवाई बंद कराते ना। तीसरी, बंद क्यों कराई? कार्रवाई करवाते। तीसरी बात, ये बोल रहे थे कि भगोड़े सारे हमारे समय पे गए तो इनको याद नहीं है। विजय माल्या कब गया देश छोड़ करके? नीरव मोदी कब गया? मेहुल चौकसी देश छोड़ करके कब गया? और उनको वापस लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई आज तक, ये बता दें। चौथी बात, ये कह रहे थे देश पे कर्जा, जो देश का सबसे बड़ा झूठ इन्होंने बोला। 55 साल में देश पे 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था और 10 साल के अंदर 155 लाख करोड़ कर्जा बढ़ करके 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देश पे हो गया। मतलब पेट्रोल डीजल से भी लगातार लूट चल रही है, जीएसटी से भी लगातार लूट चल रही है। रेलवे में आप देखिए सीनियर सिटीजन का जो पहले कंसेशन मिलता था वो बंद करके उस पर भी लूट चल रही है और फिर कर्जा भी लगातार लिया जा रहा है। तो देश का विकास किसका हो रहा है ये बताइए? अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, किसका विकास हो रहा है बताइए? तन्मय जी, बराबर करना पड़ेगा सबको, गरीब और गरीब हो रहा है, बराबर करना पड़ेगा। देखिए ये इनका दृष्टिकोण है क्योंकि इनकी जेबों में पैसा जाना बंद हो गया। कांग्रेस की सरकार के समय में जितना 2 नंबर का पैसा कांग्रेसी नेता अपनी जेब में लेके जाते थे, अभी खुद ही अपने मुंह से बोल रहे थे कि वो भ्रष्ट थे। कांग्रेस के शासन में वो सभी भ्रष्ट थे। और आज भी आपको ये बता दूं आशीष जी, आपके माध्यम से बता दूं कि किसी के ऊपर भी कोई कार्यवाही बंद नहीं हुई है, हर चीज उसी तरह से चल रही है जिस तरह चल रही है। जो भी होगा, जिस प्रकार की गलतियां या किसी तरह का अगर अपराध होगा वो सामने आएगा और उसका न्याय संगत निर्णय होगा। बात करते कर्जे की, मैं आपको फिर बता दूं, इकोनॉमिक क्वेश्चन है ये। देश की इकोनॉमी जिस प्रकार से बढ़ रही है, जिस प्रकार से हमारा जीडीपी का ग्रोथ है, जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, वो एक प्रशंसनीय फिगर है जिसे देखा जाए और पूरे विश्व में उसको माना जा रहा है। वर्ल्ड बैंक खुद उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि इंडिया इज डेवलपिंग रैपिडली एंड इट विल कम इन टू द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड नेशंस वेरी सून, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है जिसे उन्हीं के नेतृत्व में पूरा किया जा सकता है। उसके अलावा कोई है नहीं कि उसको लेकर के आगे जाए, स्पेशली विपक्ष में तो ऐसा कोई चेहरा ही नहीं जो ये समझता भी होगा डेवलपमेंट क्या है। इनके बस की बात नहीं है वो। और कर्जे की अब ये बात करते हैं, अगर तेल हमने सस्ता लिया तो आप जो कर्जे का ढेर तेल के लेकर के तेल के ऊपर जो छोड़ के गए थे देश के ऊपर, उस पूरे कर्जे के ढेर को चुकाया गया है तो ठीक है। अब पूरा कर्जे का ढेर नहीं है, यानी वो भी देश के ऊपर नहीं जनता के ऊपर कर्जा था। अगर आप माने कर्जा चुका दिया क्या पूरा देश? ऑलमोस्ट क्लियर है वो कर्जा, ऑलमोस्ट क्लियर है। तेल से संगत जो भी कर्जा था जो ये छोड़ के गए थे, क्योंकि इतनी इम्बेलेंस पॉलिसीज थी इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कि ये हिम्मत नहीं थी कि भंडारों में रखा हुआ अनाज भी गरीबों को उस समय में बांट दिया जाए जब उनकी उसकी आवश्यकता थी। तो ये तो गरीबों को अनाज तक देना नहीं चाहते थे।
आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कम से कम घर घर हर तरह की व्यवस्था तो पहुंच रही है, गरीबों का उत्पादन हो रहा है, उनको मिल रहा है जो उनको चाहिए, जो नहीं कमा पा रहे उनका भी भला हो रहा है। कम से कम ये तो सोचे, इनकी सरकारों में प्रधानमंत्री तो मनमोहन थे लेकिन दिखती थी सोनिया गांधी हर जगह। अगर प्रधानमंत्री की वो इज्जत थी जो आज भी हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की इनके यहाँ कोई इज्जत नहीं है, तो देखा जाए कि कांग्रेस ने सारा मटियामेट करने का अपने देश को प्रयास किया। ठीक है प्रतीक जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है या तो इकोनॉमी की जानकारी नहीं है या तो तन्मय जी के पास में, या चला करके झूठ बोल करके टीवी के सामने छुपा रहे हैं। पिछले दिनों आईएमएफ ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुस्तान के ऊपर उसकी जीडीपी का 83% कर्जा हो चुका है, जो 100% पार करने की संभावना है, और ये देखने की चीज़ है, इसको संभालना चाहिए, ये आईएमएफ ने बोला था। और जीडीपी ग्रोथ की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं गारंटी करके, शर्त लगा करके, चैलेंज के साथ तन्मय जी को बोल सकता हूं, 2004 से लेकर 2014 तक का जीडीपी का ग्रोथ देख लीजिए और 2014 से लेकर के 2024 का जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए, जो एवरेज अभी आ रहा है वो है 6.5-7.5%, और कांग्रेस के समय पर जो जीडीपी ग्रोथ था वो 7.5-8.5% के बीच में रहा था। तो ये झूठ ना बोले यहां करके, ये बोल रहे थे कर्जा देश के ऊपर छोड़ गए थे, तो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, अब बढ़ा करके 205 लाख करोड़ कर दिया। ये किस तरीके का कर्जा चुकाया है कि वो जो 4 गुना बढ़ गया, बताइए किस तरीके का कर्जा चुका है? या तो इकोनॉमी आती नहीं है, या पढ़ करके नहीं आते हैं, या टीवी के सामने आकर के झूठ बोलते हैं। तो इस तरीके का झूठ मत बोलिए, ये सारे आंकड़े खुली किताब की तरह हैं। और ये दूसरा झूठ इन्होंने एक और बोला था कि किसी के खिलाफ भी कार्रवाई बंद नहीं की गई। मैं चैलेंज करके बोलता हूं, अगर नहीं की गई थी तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ने इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज किया कि आपने झूठी खबर छापी है? बताइए, इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी ना वो कि 23 लोगों के खिलाफ कार्रवाई बंद कर गई, फिर कर देते उनके खिलाफ कार्रवाई कि आपने झूठी खबर क्यों छापी? और झूठी अगर किसी ने खबर छापी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जवाब दे। देखिए त्रिपोलिया गैजेट एक अखबार है, जैसे कांग्रेसी छापते हैं और कांग्रेसी पढ़ते हैं, शायद उसको पढ़ करके प्रतीक जी बात कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ के आया हूं, वो पढ़ाकर, और जो भी बता रहे हैं आंकड़े वो त्रिपोलिया गैजेट में छपते हैं, वो शायद यही पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते। परंतु मैं ये जरूर बता दूं कि जिस प्रकार से इस टर्म में, अभी इस चुनाव के पूरे महीनों में, 3 महीनों में, जिस प्रकार जनता का रुझान माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ है, मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहता हूं कि जो 400 पार का आंकड़ा था, प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने एक वक्तव्य में दिया है कि कांग्रेस सिर्फ उलझ के रह गई कि ये है क्या। ये लगातार हर मन से इनके शीर्ष नेता यही बोलते रहे कि 400 पार का नारा। अरे दो तिहाई बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी का वैसे ही आ चुका है, 400 पार तो आप घबराए, बौखलाहट तो कांग्रेस की कि हम कहाँ जाएंगे, कांग्रेस की नहीं इंडी अलायंस की बौखलाहट है, हम कहाँ जाएंगे। 4 जून को ये सबके सामने आ जाएगा किस प्रकार भारत की जनता, भारत की माननीय जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को वापस से अपना प्रधानमंत्री ने चुनती है, बनाती है, और प्रधानमंत्री जी इस देश को आगे लेके चल के एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होते। ठीक है, अंत में चलते चलते चर्चा करेंगे लगातार गिर रहे वोट प्रतिशत की। जहां अभी रिसेंटली देखने को मिला हरियाणा में, जहां स्टार प्रचारक गए कैंपेन करने, वहां वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की सभा हो, चाहे राहुल गांधी की सभा हो, चाहे प्रियंका गांधी की हो, चाहे योगी की सभा हो। मोदी की सभाओं की बात करें तो पीएम मोदी ने सोनीपत, कुरुक्षेत्र, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल, अंबाला, इन सब में सभाएं की, कहीं 3%, कहीं 4%, कहीं 6%, कहीं 7% वोटिंग प्रतिशत गिरा है। तो वहीं बात करें प्रियंका और राहुल की, चरखी दादरी, सोनीपत, सिरसा और पानीपत, करनाल, यहां पर भी वोटिंग प्रतिशत गिरा है। तो क्या मानते हैं, क्या मतदाताओं में रुझान पैदा नहीं कर पा रहे हैं वोटिंग को लेकर के, चार्म नहीं है, जहां स्टार प्रचारक जा रहे हैं वहां भी क्यों नहीं मतदान प्रतिशत बढ़ पा रहा है? फिर से आप सवाल पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए मैं अभी पिछले 1 मई से लेकर के और 25 मई तक वहीं पे था, रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही मैं था, पार्टी की तरफ से गया हुआ था, तो मैंने जो उत्साह वहां वोटरों के अंदर देखा है वो बड़ा देखने लायक था। और वो उत्साह ये था कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है अब की बार वहां से, तो प्रतिशत बढ़ना चाहिए था ना उनको उखाड़ फेंकने के लिए। उसी का बता रहा हूँ कि जो वोटिंग प्रतिशत जो हुआ है कम, वो शहरी इलाकों में वोट प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि गर्मी जो है, गर्मी वहां, यहां पर भी आपने देखी, हरियाणा में भी 47-48 डिग्री तक चला गया था वहां पर भी टेम्परेचर, तो शहरी इलाकों के अंदर कुछ कुछ वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। और जो गांव के इलाके थे, जो जहां वो वहां पर बहुत ही ज्यादा परेशान थे, बीजेपी की सरकार थे 10 साल के, चाहे से केंद्र में रही हो, हरियाणा में रही हो, तो मैं लिख करके देने के लिए तैयार हूं कि हरियाणा में अब की बार सुपड़ा साफ हो रहा है बीजेपी का। मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट वहां पे बीजेपी की आ रही है। ठीक है तन्मय जी, सुपड़ा साफ हो रहा है, वहां पर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है और आपके लिए चिंता की लकीरें बता रहे हैं प्रतीक जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की चिंता की कोई करने की आवश्यकता है नहीं, हमें ये पता है कि हम तीसरे चरण से पहले ही हम किन आंकड़ों पर खड़े थे,
हमारा आकलन बिल्कुल सिद्ध और बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये पता है भारतीय जनता पार्टी को कि हमारा वोटर हमें आकर के किस प्रकार वोट करता है, क्या आकांक्षाओं से वोट करता है, क्या देख करके वोट करता है। बात कर रहे हैं सुपड़ा साफ होने की, फिलहाल तो ये अपनी इंडियन लाइंस बचाएं और अपनी कोठी को बचाएं। मतदान प्रतिशत कम हुआ है, मतदान प्रतिशत क्या, मैं फिर ये कहूंगा कि मौसम की मार काफी बड़ी है, बड़ा एक इम्पैक्ट है, बट फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक वोटर है, जो एक डेडिकेटेड वोटर है, उसने जाके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना वोट डाला है। ये तो बाकी दलों की चिंता का विषय है, वहां पे रोहतक की यहां पे बूथ पे देखिए बूथ कैप्चरिंग और बूथ की फोटोग्राफी नहीं, इनके आपके जो टेबल लगा करके वहां पे आदमी नहीं दिख रहे आपके, कोई बात नहीं, फोटोज है मेरे पास तो बीजेपी का जो टेबल है, और चार पांच दिन की बात है, 4 जून को दिख जाएंगे कितने आदमी आए थे, ले लीजिए आज हरियाणा में छाप, कोई भी वोटर बताता नहीं उसने किसको वोट डाला। परंतु भारतीय जनता पार्टी ये बहुत भली भांति जानती है, जिस प्रकार से देश में, जिस प्रकार राज्य में, हरियाणा में छोड़े आप राजस्थान में, हर जगह जहां पे जिस तरह कार्य हो रहा है और किया गया है, वोटर खुद आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री को देखते हुए प्रधानमंत्री जी मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट कर रहा है। चलिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, बीजेपी से तन्मय शर्मा जी तो वहीं प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से, आप दोनों मेहमानों ने अपनी बात रखी, आज का एजेंडा में चर्चा की। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बातों को लेकर, कल किसी और मुद्दे को लेकर फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।